विधान परिषद के सभापति ने बीएसपी से निष्कासित नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के बाद बीएसपी को तगड़ा झटका लगा है। देखिए, जो याचिका दी गई, याचिका ही गलत थी, अमान्य थी, क्योंकि याचिका में जो एफिडेविट लगाया गया था वो एफिडेविट याचिका में कोई भी एफिडेविट लगाया जाता है, मेरे बड़े भाई और सीनियर लायर जनाब एजाज एडवोकेट साहब बैठे हैं, ये बेहतर जानते हैं कि जो भी एफिडेविट लगाया जाता है तो जब तक याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर कोई एडवोकेट आइडेंटिफाई नहीं करता, उसको सिग्नेचर करके सत्यापित नहीं करता, तब तक वो जो एफिडेविट है वो मान्य नहीं होगा। इन्होंने अपनी याचिका के साथ माननीय सभापति जी को जो एफिडेविट दिया। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद मई में बीएसपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे अफजल सिद्दीकी को पार्टी से निकाल दिया था। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने और टिकट बांटने में पैसा लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। साथ ही बसपा ने विधान परिषद में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता खत्म करने की याचिका दी थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।